हेलो बच्चों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न विद आशुतोष में। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली क्लास में हमने सीटेट पेपर टू का साइंस का पोर्शन डिस्कस किया था, जिसमें हमने अपने स्टार्टिंग की थी अपने फूड से। और फूड में बच्चों आज हमारी सेकेंड क्लास है। पिछली क्लास में हमने फूड से रिलेटेड डिस्कशन किया था, उसमें हमने आपको बताया था कि फूड का सोर्स क्या है, यानी कि भोजन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में कि हमको प्लांट और एनिमल्स दोनों से ही फूड मिलता है। और जो टर्म्स कुछ हमने आपके साथ डिस्कस किए थे, उनमें आपसे हमने हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, ये सारे टर्म्स को डिस्कस किया था। जो बच्चे हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, वो इस वीडियो के बाद पिछला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स हमने डिस्कस किए हैं जो आपके डायरेक्टली एग्ज़ाम के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। दूसरी चीज़, पहली बार जो स्टूडेंट या जो भी बच्चा हमारे पहली बार हमारी इस क्लास पर या इस प्लेटफॉर्म पर आया है, वो हमारे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेगा। साथ ही साथ आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस की अपडेट रहेगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। अगर आप प्रॉपरली सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली हैं। और बच्चों, आखिरी में क्लास को हम शुरू करें से सबसे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो शुरुआत में देखते हैं और क्या करते हैं, बाकी का वीडियो छोड़ करके चले जाते हैं। तो बच्चों, ऐसे ही आपकी नॉलेज इम्प्रूव होने वाली नहीं है। नॉलेज आपको, मैं नहीं कहता मेरा ही पढ़ो, किसी भी टीचर का आप वीडियो अगर पढ़ रहे हो तो उसको आपको जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तो आप उस ना तो उस टीचर की लैंग्वेज आपको समझ में आएगी, ना ही पढ़ाने का मैथड समझ में आएगा। किसी का लैंग्वेज पढ़ाने का मैथड आपको तब समझ में आएगा जब उसकी पूरी वीडियोज़ को आप देखेंगे, उसकी बातों को समझेंगे, फिर उसी टीचर की लैंग्वेज आपको अच्छी लगने लग जाएगी। ठीक है, चलिए क्लास को अपने हम शुरू करते हैं। फूड, बच्चों ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि फूड हमें मिलता कहाँ से है। अब बात ये आती है कि हमें फूड चाहिए क्यों, व्हाई डू वी नीड फूड, हमें भोजन क्यों चाहिए बच्चों। तो बच्चों, भोजन हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें भूख लगती है? नहीं, हमारी बॉडी की जितनी भी एसेंशियल नीडिंग्स होती हैं, यानी कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, वो हमारी बॉडी को पर्याप्त मात्रा में मिल पाए, इसके लिए हमें फूड चाहिए, इसी के लिए हमें भोजन चाहिए। तो हमें भोजन क्यों चाहिए? टू गेट एनर्जी, टू गेट एनर्जी। हमारी बॉडी को ऊर्जा कब मिलेगी? जब हम फूड यानी कि भोजन लेंगे। और भोजन लेने के लिए ऊर्जा न्यूट्रिएंट्स के रूप में हमको मिलती है। अब ये बॉडी हमारी अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स हमसे मांगती है, और वो अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स जो है वो मेनली तो आपके पांच हैं, लेकिन उसमें दो न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिनके बिना ये पांचों न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर में कोई खासा काम नहीं आएंगे। सबसे पहले अगर हम आपसे डिस्कस करें तो हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट्स। पहला है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड पे आपका आता है प्रोटीन्स, थर्ड पे हम डिस्कस करेंगे फैट को, फोर्थ पे डिस्कशन हमारी होगी विटामिन्स की, और फिफ्थ में हम डिस्कशन करेंगे मिनरल्स की। ये पांच तो बच्चों मेन है, लेकिन इसके अलावा जो हमें यूज में आता है वो हमारा सिक्स्थ है आपका फाइबर। ठीक है, फाइबर, और सेवन्थ आपका ये है आपका वाटर। ये न्यूट्रिएंट तो कोई नहीं है, लेकिन इन दोनों की आवश्यकता हमें पड़ती जरूर है अपने न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट हमारा है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जो बच्चे होते हैं इनको हम मेनली कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट्स से बच्चों में एनर्जी मिलती है। अब एनर्जी मिलती है जो सबसे सिंपलेस्ट, अगर हम आपसे बात करें कि सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो आपका है वो आपका प्लांट से मिलता है, और प्लांट्स हमें क्या देता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज हमको मिलता है बच्चों कैसे, ये फोटोसिंथेसिस के बाद हमको मिलता है, यानी कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो आपका है ग्लूकोज। दूसरी चीज़ बच्चों, ग्लूकोज आपको
फोटोसिंथेसिस के जरिए मिल जाता है। दूसरी चीज़ यानी कि ये ज़्यादातर मोस्टली ये स्वीट होते हैं, मोस्टली स्वीट होते हैं, ज़्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये मीठे होते हैं। अब मीठे होते हैं तो ये हमको शुगर से भी मिलते हैं, शुगर यानी कि चीनी, और शुगर को कल भी हमने आपको बताया था, इसको हम सुक्रोज कहते हैं। सुक्रोज का साइंटिफिक नेम क्या होता है? C6H12O6। साथ ही साथ दो वर्ड और हैं आपके पास, एक को हम कहते हैं माल्टोज, माल्टोज, और दूसरा है आपका लैक्टोज, माल्टोज और लैक्टोज। ये मिल्क से हमको मिलते हैं, यानी कि ये मिल्क से हमको मिलते हैं, और ये इंस्टेंट एनर्जी गिविंग प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी इनसे हमें मिलती है, यानी कि हम तुरंत ही एनर्जी हमें अगर चाहिए तो हम लैक्टोज और माल्टोज से क्या है पाते हैं। दूसरी चीज़ बच्चों आपको बता दें कि कार्बोहाइड्रेट्स में दो तरह की एनर्जी हमको फूड के ब्रेकडाउन के बाद मिलती है, एक तो हमको मिलता है स्टार्च और दूसरा हमको मिलता है सेलुलोज, स्टार्च और सेलुलोज। बच्चों स्टार्च को तो हम इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं, हम जो फूड डाइजेस्ट करते हैं पचाते हैं वो स्टार्च को हम आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सेलुलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ये एनिमल्स में हमको डाइजेशन के लिए देखने को मिलता है, यानी कि एनिमल्स को जो एनर्जी मिलती है वो सेलुलोज से मिलती है, क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है एनिमल्स में, वो सेलुलोज के ब्रेकडाउन के लिए उनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, अडेप्टेड होता है, वो आसानी से उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। बच्चों हमारे शरीर में जब ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो ग्लूकोज आपका ग्लाइकोजन में बदल जाता है, ग्लाइकोजन में बदल के हमारे बॉडी में ही स्टोर हो जाता है, और बॉडी में स्टोर होने के बाद जब हमको ज़रूरत होती है, यानी मान लीजिए अगर हमको दो दिन खाना नहीं मिला तो वही जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो हमको एनर्जी देने का काम करती है, और हम उसके इस्तेमाल ऑटोमेटिक बॉडी हमारी उसका इस्तेमाल करने लग जाती है, ठीक है। एग्जांपल्स की बात करें कार्बोहाइड्रेट में बच्चों, तो एग्जांपल्स में आपका क्या क्या आता है, एग्जांपल्स में आपके स्वीट पोटैटो आ जाएगा, पोटैटो तो आपका हाई है, शुगर होता है आपका, शुगर यानी कि चीनी, वो चाहे शुगर केन के फॉर्म में हो चाहे शुगर हो, इसके अलावा राइस हो गया, ठीक है, ग्रेप्स हो गया, एप्पल्स में भी आपको कार्बोहाइड्रेट्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया किसके बारे में, ये कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली ये क्या होता है, ये एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, ये एनर्जी गिविंग फूड होते हैं जो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके हमारे बॉडी के अंदर स्टोर रहता है, जब एनर्जी हमारे को नहीं मिलती है तो ये बॉडी में ऑटोमेटिक उसका इस्तेमाल करके एनर्जी हमको देता है। सेकंड बच्चों चलते हैं प्रोटीन्स पर। प्रोटीन जो बच्चे होते हैं ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं, ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं, यानी कि बॉडी की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में ये इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। ज़्यादातर प्रोटीन्स हमको कहाँ से मिलते हैं, ये हमको मिलते हैं पल्सेस से, पल्सेस यानी कि दाल, ज़्यादातर हमको प्रोटीन्स दाल से मिलते हैं। बच्चों जो आपका प्रोटीन होता है ये किसका बना होता है, ये मेनली कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। जो आपके प्रोटीन होते हैं वो इन चार चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, ये बॉडी की ग्रोथ एंड रिपेयर में हेल्प करते हैं, किसमें, बॉडी बिल्डिंग फूड हैं तो ये क्या करेंगे, बॉडी की ग्रोथ एंड रिपेयर में मदद करते हैं। साथ ही साथ हमको ये कहाँ से मिलते हैं, ये सबसे ज़्यादा तो हमको दाल से मिलते हैं, दाल के अलावा आपको किस में मिल जाएगा, ये आपको सोयाबीन में भी मिल जाता है, सोयाबीन में मिल जाता है। सोयाबीन के अलावा अगर आपको प्रोटीन लेना हो तो आप कहाँ से लोगे, आपको एग और मीट में भी सोया प्रोटीन मिल जाता है, इसके अलावा आपको एग और मीट, ये सोर्स ऑफ प्रोटीन आपके थे। नेक्स्ट बच्चों हमारा थर्ड वन जो है वो आपका क्या है, प्रोटीन्स हमने डिस्कस कर लिए, ये बॉडी बिल्डिंग फूड है, ये बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करते हैं। थर्ड आपका है क्या, फैट।
फैट के बारे में हमने कल बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया था। ये क्या करता है, बस कि हमारे बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है, ठीक है। और ये कार्बोहाइड्रेट्स की अपेक्षा ज़्यादा एनर्जी हमारी बॉडी को देता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स से कंपेरिजन करें तो ये क्या है, फैट से हमको एनर्जी ज़्यादा मिलती है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये भी एनर्जी गिविंग फूड है, एनर्जी गिविंग फूड है। मिलते कहाँ से बच्चों, सोर्स क्या है इनका, तो ये हमको फैट आपको फैटी चीज़ों से मिल जाएगा। जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स की हमने कल बात की थी, तो मिल्क प्रोडक्ट्स में आपका क्या आ जाता है, मिल्क प्रोडक्ट्स में आपका बटर आ जाता है, घी आ जाता है, ठीक है, मिल्क आ जाता है। इसके अलावा ऑयल्स की बात करें हम जो, ठीक है, ऑयल्स में भी क्या फैट होता है, तो ऑयल्स आपको अलग अलग सोर्सेस से मिलते हैं। कल हमने डिस्कस किया था, मस्टर्ड में भी हमको ऑयल मिलता है, सोयाबीन में होता है, ग्राउंड नट, कोकोनट, और कोकोनट के अलावा अगर हम बात करें तो बच्चों को सनफ्लावर से भी क्या है, सनफ्लावर से भी हमको ऑयल मिलता है। बच्चों फैट से हमको एनर्जी तो मिलती ही, साथ ही साथ क्या होता है, ये जो हमारे बॉडी के अंदर जब फैट ज़्यादा होता है तो ये स्किन के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, यानी कि फैट की एक लेयर हमारे स्किन के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे हमारे शरीर की स्किन क्या होती है, वो मोटी हो जाती है। और मोटी होने से फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि जब आपकी स्किन की लेयर मोटी हो जाती है तो ठंड से तो ये आपको बचाती है, लेकिन यही चीज़ जब और ज़्यादा हो जाती है तो ये हमारे लिए समस्या भी पैदा कर देती है। अब समस्या कैसे पैदा करती है कि हमारे ये ऑब्सिटी यानी कि मोटापा और बहुत सारी और ढेर सारी डिजीज़ को लेकर हमारे लिए आता है। तो अगर हम बात करें तो एक्सेस फैट अगर हमारे बॉडी में आ जाता है तो इससे हमें ऑबेसिटी आती है, यानी कि मोटापा, और मोटापा को लेकर के हमारे अंदर ढेर सारे हेल्थ के कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलते हैं, ठीक बच्चे। तो ये हमने डिस्कस किया आपका फैट के बारे में, फैट हमको कहाँ से मिलती है, फैट का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो सारी चीज़ें हमने देख ली। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, विटामिंस है। विटामिंस के लिए हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। विटामिंस आपके मेनली दो तरह के होते हैं, एक आपका होता है फैट सॉल्वल, एक होता है आपका वाटर सॉल्वल, ठीक है। चलिए बच्चों हम अब डिस्कस करते हैं विटामिंस के बारे में। तो विटामिंस को हम डिस्कस करें उससे पहले आपको बता दें कि जो आपके विटामिंस होते हैं, ये आपके मेनली दो तरह के होते हैं। एक तो होता है आपका क्या, वाटर सॉल्युबल, और एक आपका होता है फैट सॉल्युबल। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, वाटर सॉल्युबल मीन्स ऐसे विटामिंस जो आपके वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, और ऐसे विटामिंस जो आपके फैट में डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, वो फैट सॉल्युबल होते हैं। याद करना बहुत आसान है, वाटर सॉल्युबल होते हैं ये आपके केवल क्या होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स के होते हैं, और एक आपका दूसरा क्या होता है, ये विटामिन सी होता है। और जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो आपके ए डी ई के, या फिर इसी का बहुत से बच्चे नाम इसका रख देते हैं कीड़ा। और कीड़ा क्या है बच्चों, ये हमेशा पानी से दूर भागता है। कीड़ा जो है ये ए डी ई को ही क्या है, मिक्स करके कीड़ा बना दिया। ये बच्चों याद रखने की एक ट्रिक है, कीड़ा हमेशा पानी से दूर भागता है। जब पानी से दूर भागता है ये फैट के पास ही तो आएगा, यानी कि फैट सॉल्युबल में कीड़ा होता है, वो पानी में कभी नहीं जाता है, वो पानी में नहीं रहेगा, यानी कि पानी के कैटेगरी में केवल आपके बी कॉम्प्लेक्स और सी आते हैं। दूसरी चीज बच्चों, जो आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं, अगर इनकी अमाउंट बढ़ जाती है, अगर वाटर सॉल्युबल विटामिंस की मात्रा आपके बॉडी में बढ़ जाती है, तो ये चूंकि वाटर में सॉल्युबल है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती, ये यूरिन के थ्रू यानी कि पेशाब के थ्रू ये शरीर से बाहर निकल जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं रहती है। ये एक्सेस होने पर पास बाय यूरिनेशन यानी कि बाथरूम के जरिए ये आपके बाहर चले जाते हैं। सेकंड बात करें फैट सॉल्युबल की, अगर इनकी एक्सेस हो जाती है, अगर ये ज़्यादा हो जाते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारी
बॉडी के लिए, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा रेगुलेट करना, मेंटेन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ बच्चों, यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट मैं आपके लिए बनाता हूँ। हाँ बच्चों, तो हमने विटामिन को निकाल करके अलग ले लिया। विटामिन का ये चार्ट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें हम विटामिन का नाम, उनका साइंटिफिक नेम, उनका रोल, उनका काम क्या, कि उस विटामिन से हमको क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और विटामिन हमको सोर्स, यानी कि हमको मिलते हैं कहाँ से, यानी कि इनके सोर्सेज को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा विटामिन ए आता है, इसका साइंटिफिक नाम क्या बच्चों, रेटिनॉल। और रेटिनॉल ये हमारे आईसाइट और ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बट इसका नाम है रेटिनॉल। आँख में आपके रेटिना होता है और रेटिना से बना है रेटिनॉल, और ये हमारी आँखों की रोशनी को तेज करता है और बाकी बॉडी की ग्रोथ में भी ये हेल्प करता है। सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज के लिए बच्चों, आपका जो विटामिन ए है, ठीक है, वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियों में आपको मिलेगा, कैरेट में मिलेगा क्योंकि कैरेट में आपका बीटा कैरोटीनॉइड होता है, कॉड लिवर ऑयल और पंपकिन यानी कि कद्दू में भी आपको विटामिन ए देखने को मिलता है। बच्चों ये बी जो है, ये बी का फैमिली थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, इनको आप बी कॉम्प्लेक्स के नाम भी से भी कह सकते हो। ये बी कॉम्प्लेक्स हैं और बी कॉम्प्लेक्स में आपके B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 इतने विटामिन्स आपके बी कॉम्प्लेक्स में आते हैं। इन सभी का साइंटिफिक नेम एक एक डिस्कस करते हैं। B1 को हम थायमीन के नाम से जानते हैं, B2 राइबोफ्लेविन, ठीक है, B3 नियासिन, B5 पैंथेनोइक एसिड, B6 को हम पैराडॉक्सिन कहते हैं, B7 को बायोटीन, B9 को फोलेट, B12 को कोबलामिन। कोई भी ताकती इंजेक्शन या सुई आप जब लगवाते हैं तो उसको आप उठा के देख लीजिए, उसके पीछे आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे, जिसमें साफ साफ B12 के सामने आपको साइनोकोबालामिन लिखा हुआ मिलेगा। साइनोकोबालामिन ये इसका साइंटिफिक नेम होता है B12 का। तो उसका कंपोजिशन जब आप किसी इंजेक्शन का कंपोजिशन देखेंगे तो उसमें आपको बी कॉम्प्लेक्स में B12 ये साइनोकोबालामिन आपको देखने को मिलता है। इसका बच्चों सिंपली बॉडी ग्रोथ में और डेवलपमेंट में इसका रोल रहता है, बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, साथ ही साथ आपके ये ब्लड को हेल्दी रखता है, आपके खून को ये स्वस्थ रखता है। मिलता कहाँ से, अधिकतम चीज़ें, अधिकतम बीमारियाँ आपकी हरी पत्तेदार सब्जियाँ से ही क्या दूर हो जाती है। और दूसरा एक मिल्क, मिल्क भी आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, मीट और फ्रूट्स से आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। अगले पे चलते हैं विटामिन सी। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, और एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है ये आपका गम्स और टीथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। गम्स के लिए कैसे, क्योंकि विटामिन सी आपके मसूड़ों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसकी वजह से स्कर्वी नाम का एक रोग होता है। हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें हम विटामिन, उनकी डिफिशियंसी और उसकी वजह से कौन सा रोग होता है, ये सारी चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना ही चाहिए कि गम्स और टीथ के ग्रोथ और डेवलपमेंट में या उनको हेल्दी रखने में विटामिन सी का बहुत बड़ा योगदान है। मिलते कहाँ से, ये हमको सिट्रस फ्रूट से मिलते हैं। सिट्रस फ्रूट आपका लेमन, ऑरेंज, किन्नू और आंवला। सबसे ज़्यादा अगर बच्चों देखा जाए तो आंवला में विटामिन सी आपको देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आता है विटामिन डी। विटामिन डी को हम साइंटिफिक नेम में कैल्सिफेरॉल कहते हैं, कभी भूले ना इसके लिए याद रखें। विटामिन डी जो होता है वो धूप से मिलता है, लगभग सब बच्चों को याद हो जाता है। विटामिन डी आपको धूप से मिलता है, और धूप में हमें क्यों रखते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं उनको धूप में मालिश की जाती है ताकि उनकी हड्डियाँ मजबूत रहे, और हड्डियाँ बच्चों कैल्शियम से मिलकर बनी हुई हैं, और कैल्शियम के नाम से ही आपको उठा लेना है कैल्सिफेरॉल। तो विटामिन डी में आपको कैल्सिफेरॉल मिलता है, इसकी वजह से बोन्स और टीथ, ये आपकी हड्डियाँ और दांत मजबूत बनते हैं। सनलाइट, मिल्क और कॉड लिवर ऑयल के जरिए आपको विटामिन डी देखने को मिलता है। सबसे सिंपलेस्ट सोर्स आपका विटामिन डी क्या है, धूप खाइए, धूप में बैठे विटामिन डी आपको पर्याप्त मात्रा में आपके शरीर में मिलता रहेगा, दूध और कॉड लिवर ऑयल। नेक्स्ट विटामिन ई। विटामिन ई को हम साइंटिफिक नेम में टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। ये स्किन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आपके तंदुरुस्त रखता है, स्वस्थ बनाए रखता है। ये हमको बटर, टोमेटो और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है। मक्खन खाने से, टमाटर और हरी पत्तेदार सब्जी खाएंगे तो आपको विटामिन ई की कमी कभी नहीं होगी। लास्ट वन आपका विटामिन के, इसको हम फिलोक्विनिन के नाम से जानते हैं। ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग इट मीन्स आपके खून के थक्को जमाता है। जब आपका हाथ पैर कट जाता है तो खून को जमाने का काम ये विटामिन
का ही है, ये आपको एग टोमेटो और कैबेज में देखने को मिलेगा, यानी कि आपको अंडा टमाटर और पत्ता गोभी में। बच्चों ये आज की हमारी क्लास इतनी ही रहेगी, नेक्स्ट क्लास में हम विटामिन और विटामिन से रिलेटेड जो डिजीजेज होती हैं, ठीक है, उसकी कमी से क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और इसमें तीन पॉइंट्स हमारे जो छूट गए हैं, यानी कि हम अभी इसमें क्या है, हमारे न्यूट्रिएंट्स में हमने क्या क्या पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, विटामिन्स पढ़ा, प्रोटीन पढ़ा, फैट पढ़ा, अभी हमारे मिनरल्स बाकी हैं। मिनरल्स के अलावा हम फाइबर्स पढ़ेंगे और वाटर पढ़ेंगे, और इसके बाद हम विटामिन और उनकी कमी से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां होती हैं उस पर सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और कोशिश करेंगे कि हमारी जो नेक्स्ट क्लास हो उसमें हम अपना फूड का चैप्टर पूरा कंप्लीट ख़त्म कर देंगे। बच्चों पहली बार जो हमारे इस वीडियो पे हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। जो पहली बार आए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, या किसी टॉपिक पर आप सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज की वीडियो बस इतनी ही, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।